ठीक है, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं, जैसा ये जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी का वेबसाइट है, jpldigitalconsultancy.in। उसको जब वेब ब्राउजर पे आप ओपन करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, रजिस्टर है और लॉगिन है। उमेश, मेरी आवाज आ रही है? ठीक आ रही है सर। ओके ओके, धन्यवाद। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट, रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन है। तो रजिस्टर में जाके आपको क्या करना है, जिनको आप सब्सक्रिप्शन देंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, उनको रजिस्टर पे क्लिक करवाना है, या फिर आपके पास जो लिंक गया है उससे भी डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है। देखिए, सबसे पहले मांग रहा है स्पॉन्सर आईडी। अगर वेबसाइट के थ्रू कोई रजिस्टर करता है तो उस पर स्पॉन्सर आईडी, आप अपना स्पॉन्सर आईडी बता दीजिएगा, जो आपको आईडी प्रोवाइड कराया गया है रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद वो अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड खुद से क्रिएट करेंगे, जो पासवर्ड उनको रखना है। उसके बाद चेकबॉक्स से नीचे में आई एग्री विथ द टर्म एंड कंडीशन और रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन में हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग भी नहीं रहे हैं, नाम मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, ईमेल आईडी मांग रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन आईडी आप अपना जरूर डलवाएंगे वहाँ पे, जिससे कि ये पता चलेगा कि वो आपके टीम में है और उसका जो भी कमीशन है वो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। वो आईडी कहाँ से आएगा सर? वो आईडी आपको क्रिएट कराया जाएगा। आप भी जब रजिस्टर्ड करेंगे तो किसी ना किसी टीम में आएंगे आप। आप फर्स्ट टाइम है लगता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन। ठीक है, बता देंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी बता देंगे, जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी के बारे में भी बता देंगे। बट ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तीन फील्ड ही हम लोग ले रहे हैं। रजिस्टर करने के बाद वो लॉगिन कर पाएगा, उसी समय डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेगा उसका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा, जो उसका स्पॉन्सर आईडी होगा, और पासवर्ड खुद से डालना है, खुद से क्रिएट करना है। उसके बाद वो लॉगिन कर पाएगा। नीचे दिया हुआ है लॉगिन, वहां से जाके फिर लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उसका आईडी इनएक्टिव देखेगा। हम एक एक्टिव आईडी का लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि लॉगिन में क्या क्या रहता है। एक सब्सक्राइबर का लॉगिन है, लॉगिन करेगा तो उसको डैशबोर्ड दिखेगा, प्रोफाइल दिखेगा, देख रहे हैं, और राइट साइड में भी वो सारा चीज दिखेगा, रिपोर्ट दिखेगा, टीम, लर्न, पे का ऑप्शन है, कौन सा प्लान उसने सब्सक्रिप्शन में लिया है, कितने टीम बनाए उसने, सारा चीज में वो रिपोर्ट में देख पाएगा, कितना उसका इनकम हुआ, डायरेक्ट इनकम, कितना इनडायरेक्ट इनकम हुआ, टोटल उसके डैशबोर्ड में दिखेगा। और प्रोफाइल में जाके वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है और अपना बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह अपडेट कर देगा यहाँ पे प्रोफाइल में जाके, ताकि आप लोग भी कर लीजिएगा, जिनका सब्सक्रिप्शन यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है वो अपना सबसे पहले प्रोफाइल में जाके अपना बैंक डिटेल डाल देंगे, ताकि जो भी आपके टीम में और आपके रेफर से इनकम होता है वो उसी अकाउंट में पे आउट किया जाएगा। नीचे टीम है, ई कोर्सेज है, लेफ्ट साइड में भी सारा मेनू दिया हुआ है, एक बार जरूर खोल के आप देखिएगा कि इसमें क्या करना है। हम उसके बारे में बताते हैं, जो रजिस्टर खुद से किया और नया यूजर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पे में जाके वो पेमेंट कर देंगे 2500 रुपया। उसके बाद ई कोर्सेज, नीचे देखिए ई कोर्सेज के नीचे ई पिन दिया हुआ है, ई पिन में जाकर, देखिए ई पिन में जाके यहाँ पे आएगा एक्टिवेट बाय ई पिन, ठीक है, तो उनका सारा डिटेल दिख जाएगा। और राइट साइड में टॉपअप दिया हुआ है, टॉपअप पे जाके क्लिक करेंगे तो उनका एक्टिवेट हो जाएगा यूजर। ये तरीका है यूजर को एक्टिवेट करने का। यहां से साइन आउट हो जाएंगे वो। ये सारा फैसिलिटीज डैशबोर्ड में है, तो जो लोग सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनको ये समझ में आया होगा। जो लोग अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं उनको हम शुरू से थोड़ा ब्रीफ कर दें कि आखिर ये है क्या।
देखिए, जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी यह एक बिजनेस मॉडल है जो कि इनिशिएट किया गया है जेपीएल इंटरप्राइजेज द्वारा। उसका वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है यहाँ पे, jpldigitalconsultancy.in। एक बार आप भी लॉगिन करके देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, दोनों व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे भी व्हाट्सएप करके, फोन करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो बिजनेस मॉडल लॉन्च किया गया है जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी द्वारा, जेपीएल इंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा, जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी वो है क्या? सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू जान लेते हैं कि जेपीएल इंटरप्राइजेस, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार शरीफ में है, ब्रांच ऑफिस हाजीपुर में और डिजिटल ऑफिस मधुबनी में है। 2018 में इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया गया था। पर्पस यही था कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए जहां पे लोग लर्न कर सके, अर्न कर सके और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, डिजिटल सिग्नेचर के फील्ड में हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं। और बिहार के कई जिलों में लोग हमारे टीम में काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा अर्निंग किया है, अच्छा लर्निंग किया है। उनको भी हम लोग लाएंगे नेक्स्ट सेशन में, उनके सक्सेस स्टोरी को जानेंगे कि वो कैसे काम किए हैं अभी तक और कैसे अर्न किए हैं। तो डिजिटल कंसल्टेंट एक बिजनेस मॉडल है, इसमें हम लोग लर्निंग विथ अर्निंग का कंसेप्ट है कि आप यहाँ पे सीखिए और अर्न कीजिए, रेफर कीजिए और अर्न कीजिए। दो कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। एक तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा, और लर्निंग मटेरियल वो कोई कोर्स नहीं होगा, कोई बीटेक एमटेक इस तरह का कोर्स नहीं होगा। टूल के बारे में बताया जाएगा, एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, वैसे टूल के बारे में बताया जाएगा जिससे आप सीख सकते हैं और अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे एनिमेशन टूल के बारे में बताया जाएगा, वैसा वेब एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। और सीखना बहुत आसान है, जितने भी एप्लीकेशन जिसके बारे में हम लोग सिखाएंगे, आपको बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से और लाइव आकर बताएंगे, वो सारे कोर्सेज और एप्लीकेशन बेस्ड है। कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है यहाँ पे। एक घंटा दो घंटा के ट्रेनिंग लेके आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग का। आप सीख कर भी कमा सकते हैं और रेफर देके भी कमा सकते हैं। हम लोगों ने इस पे काफी, हमारी टीम ने काफी रिसर्च किया कि कैसा बिजनेस मॉडल हम लोगों को लॉन्च करना चाहिए, तो हम जो सबसे आसान हो और जिसको सब कर सके, दुनिया में हर व्यक्ति काम कर सके, वैसे मॉडल पे हम लोगों ने काम किया, वैसे कंसेप्ट पे काम किया। 5 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च के बाद हम लोगों ने सोचा कि सबसे आसान दुनिया में क्या काम है, वो काम है सजेशन देना, दूसरों को सलाह देना। और ये काम हर लोग करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हर लोग करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, बिना मांगे सलाह देते हैं और मांगने पूछने पे भी सलाह देते हैं और बिना पूछे हुए भी हम लोग सलाह देते हैं, और उस सलाह के लिए कुछ अर्निंग हो जाए तो इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इसी पे टीम ने, हमारी टीम ने काम किया है कि सजेशन देकर लोग पैसा कमाएंगे। हमारा मिशन क्या है? डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना। डिजिटल लिटरेसी कैसे बढ़ेगा? जो भी एप्लीकेशन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको लोग आसानी से इस्तेमाल कर सके, सेफ्टी पूर्वक इस्तेमाल कर सके और रिस्पॉन्सिबल होकर उस एप्लीकेशन का यूज कर सके। यही हमारा मेन मकसद है इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए, कि हर लोगों के बीच में हम लोग डिजिटल लिटरेसी का मिशन लेके जाएंगे, उनको एक प्रोग्राम चलाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे एप्लीकेशन यूज करना, ताकि वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाए, आसानी से काम कर सके। और सेफ्टी भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी को, एप्लीकेशन को यूज करना आसानी से यूज कर सकेंगे हमारे कोर्स लेने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। इतना चीज हम लोग बता देंगे अपने कोर्सेज में कि वो आसानी से किसी भी एप्लीकेशन को, टूल को जो पॉपुलर है, जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको आसानी से वो यूज कर पाएंगे। दूसरा परस्पेक्ट क्या है? सेफ्टी। ठीक है, आप लोग प्रायः सुनते होंगे कि एटीएम से फ्रॉड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग से फ्रॉड हो गया, तो उसमें कुछ सेफ्टी क्या क्या हम लोग को अवेयरनेस रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसके बारे में भी एक्सपर्ट बताएंगे। साइबर सिक्योरिटी के हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो कह लीजिए कंसल्टेंट है, वो आकर साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, हम लोगों को बताएंगे। उनका रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को आसानी से और सेफ्टी इस्तेमाल करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होकर इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग कोई नया काम नहीं करने जा रहे, जो आपको आता है, जो स्ट्रेंथ, जो स्किल आपको आता है, उसी में एड्स ऑन करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो स्किल आपको नहीं आता उस पर हम काम करेंगे, तो उसमें क्या होगा? टाइम की बर्बादी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई गाना गाने नहीं आता है, हम कोई सिंगर नहीं है, और 24 में से 20 घंटा भी रियाज करेंगे, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और उससे कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाला है नहीं।
उससे कुछ अर्निंग नहीं होगा, वो सारा मेहनत हमारा बेकार जाएगा। तो उस दिशा में हम लोग काम नहीं करेंगे जिस दिशा में हमारा कोई स्किल सेट है नहीं, ठीक है। तो हम लोग टीम आपके साथ जो आपका स्किल है उसी में कुछ एड्स ऑन करेगा, और छोटे छोटे एप्लीकेशन टूल के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा जिसको आसानी से आप सीख के खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट का। तो हम लोग का यही मकसद था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हर कोई कमा सके, हर कोई अर्न कर सके, अर्न करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कोई बाधा ना आए। यही उद्देश्य से, इसी सोच से हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, और हमारी टीम धीरे धीरे बड़ी हो रही है, टीम को हम लोग को और बढ़ाना है, और ऐसा आसान प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे हर कोई कमा सकता है, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, डिग्रीधारी हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, महिला हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अर्निंग कर सके, ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना हमारा उद्देश्य था। और हमारे टीम में आज सभी प्रोफेशन से लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सभी सेक्शन से लोग आ रहे हैं, सिविल सेवा के लोग आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो सभी लोगों को हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हर व्यक्ति जुड़ेंगे, सर्विस प्रोवाइडर जुड़ेंगे, और उनसे हम लोग सीखेंगे और अपने टीम को सिखाएंगे। जो हम सीखेंगे उसको क्या करेंगे, अपने टीम को नीचे सिखाएंगे और एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। टीम भी सीखेगी, आप भी सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे और अर्निंग करेंगे। अब है कि डिजिटल कंसल्टेंट जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसमें कौन कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है, स्टूडेंट भी बन सकता है, हाउसवाइफ भी बन सकती है, इम्प्लॉय भी बन सकते हैं, बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एनी इंडिविजुअल। अगर कहीं आप काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आप पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आप फुल टाइम भी इस काम को कर सकते हैं। क्या क्या फायदा होगा डिजिटल कंसल्टेंट बनने से? डिजिटल कंसल्टेंट बनने से जो वेबसाइट हमने दिखाया था उसका आपको एक्सेस मिल जाता है, ऐप भी डेवलप हो रहा है, ऐप का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, और वो एक्सेस रहेगा लाइफ टाइम के लिए, और जितना भी कोर्सेज है उसका फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। सपोर्ट रहेगा पूरा टीम का, क्योंकि हम लोग टीम वर्क काम कर रहे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा, 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑथराइज कर दिया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप रेफर कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो लिस्टेड है अभी, और उस पर आपको मिनिमम 20% कमीशन मिलेगा। रेफर कीजिएगा, 20% कमीशन मिलेगा। खुद से काम करिएगा, ज़्यादा अर्निंग होगा, खुद का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ टूल्स के बारे में, कुछ एप्लीकेशन के बारे में सीख करके बिना इन्वेस्टमेंट के आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करें। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, बाकी जितने भी फॉर्म होती है वो बाउंड करती है कि नहीं आप हमारा ही प्रोडक्ट सेल कीजिए, आप अपना खुद का बिजनेस नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा लिबर्टी है, या तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं या खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग मदद करेंगे, हमारा टीम आपको पूरा मदद करेगी। इसका प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा, हर फील्ड का, जिस फील्ड में आप अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, उसके एक्सपर्ट आपके ऑनलाइन आके सिखाएंगे आपको, प्लेटफॉर्म के माध्यम से गाइड करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी गाइड करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करेंगे, और सारा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट शेयर करना है, दिन रात हम लोग सोशल मीडिया पे लगे ही रहते हैं, सेल्फी डालते हैं, कुछ पोस्ट डालते हैं, विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, लेकिन उससे कुछ अर्निंग होता नहीं, ठीक है। लेकिन अब जब आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालिएगा तो उसके लिए आपको अर्निंग होगा। तो वो कंटेंट भी हम लोग रेडीमेड आपको देंगे, कोई कंटेंट आपको बनाना नहीं है, एनिमेट नहीं करना, एडिट नहीं करना, सारा कंटेंट रेडीमेड कस्टमाइज करके इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। उस कंटेंट को आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है, उससे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। और आपको डैशबोर्ड जैसा भी दिखाया था शुरू में हमने, उसमें आप सारा चीज मॉनिटरिंग कर पाएंगे, लीड समरी रहेगा, कितना आपको कमीशन मिला, आपके टीम में कौन कौन लोग हैं, ये सारा सुविधा आपके लॉगिन में उपलब्ध रहेगा, आपके डैशबोर्ड में उपलब्ध रहेगा। मंथली कमीशन पे आउट किया जाएगा आपको, एक महीने में कितना आपका कमीशन मिला है या सप्ताह बेसिस पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। हम इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसलिए आपको डैशबोर्ड दिया जा रहा है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। आपने कितना काम किया आप डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं, कितना आपने रेफर किया उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कितना आपकी अर्निंग हुई वो सारा आप अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं। उसके अलावा आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जो सर्विस हमारा अभी लिस्टेड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें से कोई टूल के बारे में आप सीख लीजिए जो इंटरेस्ट है,
और खुद आप कमाना चाह रहे हैं, खुद अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसमें हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप सीख के खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो हमारी टीम करेगी, आपको सिखाएगी, इन्वेस्टमेंट भी देगी। अब है कि आपके पास सलाह कौन कहां से आएगी, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हमसे सजेशन लेने कौन आएगा। तो एक तो वो लोग आएंगे जो आपको जानते हैं, आपका अपना नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है, आपके दोस्त है, फैमिली मेंबर, वो भी सलाह लेते हैं, वो आएंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लीड का, सोशल मीडिया यूट्यूब कह लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और हमारा जो वेबसाइट है उसके थ्रू, हमारा जो अपना वेबसाइट है, व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू भी लीड आएंगे जो आपसे सजेशन लेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि लीड कहाँ से आएंगे, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां से लीड मिलेंगे, वहीं पे आपको काम करना है। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अभी कितना लिस्टेड है उसको एक बार जानकारी, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल कंसल्टेंट, डिजिटल कोर्सेज, ई टेंडरिंग, टीडीएस, आईटीआर, आईएसओ सर्टिफिकेशन, जेम रजिस्ट्रेशन, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबिनार होस्टिंग, थेसिस राइटिंग, एसएमएस गेटवे, डिजिटल लाइब्रेरी, जीएसटी रिटर्न, प्रिंटिंग सर्विसेज, सीसीटीवी, लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चे के लिए नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए, IVRS सिस्टम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग, गूगल रैंकिंग, यूट्यूब प्रमोशन, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, होटल रूम रिजर्वेशन सिस्टम, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जियो टैगिंग, ये सारे सर्विसेज अभी लिस्टेड है और इसमें और भी एड्स ऑन हो रहा है। उसके अलावा मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल कंसल्टेंसी भी यहाँ पे अभी उपलब्ध हो गया है, आयुर्वेदिक के बारे में भी लोग कंसल्ट कर सकते हैं, बुक मैगजीन आपको पब्लिकेशन करवाना है उसके लिए भी आपसे सलाह लोग ले सकते हैं। तो डिजिटल कंसल्टेंट क्या होता है, तो डिजिटल कंसल्टेंट एक सलाहकार होता है जो सलाह दे सकता है अपने नेटवर्क के लोगों को, सोशल मीडिया पे सलाह दे सकता है और उनको डिजिटल कोर्सेज मिलेगा, जो कोर्सेज आगे हम बताएंगे क्या क्या कोर्सेज उनको मिलेगा डिजिटल कंसल्टेंट के बारे। डिजिटल सिग्नेचर, आप लोग जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आजकल जितना भी सर्विसेज मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पे डिजिटली साइन अप देखते होंगे, तो डिजिटल सिग्नेचर का भी अच्छा डिमांड है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे इशू होता है, इसके बारे में पूरा ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आप चाहे तो डिजिटल सिग्नेचर खुद बना के भी अपना काम कर सकते हैं, पैसा कमा कर सकते हैं और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगेगा। डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप इंटरेस्टेड रहिएगा कि नहीं हमको डिजिटल सिग्नेचर का काम करना है, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ब्लैंक टोकन मिल जाएगा और आप खुद से इशू कर सकते हैं। आप नहीं खुद से काम करना चाहते हैं तो आप रेफर कर दीजिए, जो हमारे ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइबर हैं हर जिले में, हर शहर में है, उनका लिस्ट आपको मिल जाएगा, उनको आप रेफर कर दीजिए, रेफर के बदले भी आपको कमीशन मिलेगा 20%। और वो डिजिटल सिग्नेचर जो होगा मार्केट से सस्ता मिलेगा, मार्केट में 1500-2000 रुपया रेट है, उससे कम रेट में हमारे सब्सक्राइबर देंगे और सपोर्ट के साथ 2 साल वारंटी के साथ उनको 2 साल वैलिडिटी होता है जनरली डिजिटल सिग्नेचर का, तो 2 साल का वैलिडिटी भी मिलेगा। इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं, आज ज्यादा कस्टमर इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको वारंटी भी मिल रहा है और मार्केट से सस्ता भी मिल रहा है। 2 साल में अगर कुछ भी होता है डिजिटल सिग्नेचर में, खराब हो गया, सिग्नेचर उड़ गया, तो उसको रिप्लेसमेंट मिलता है, बाकी जगह सुविधा नहीं है। इसके कारण से डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाले कस्टमर हमारे पास आते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से बनवाते हैं। तो आप चाहे तो खुद भी डिजिटल सिग्नेचर का काम शुरू स्टार्ट कर सकते हैं सीख के, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा और एक डिजिटल सिग्नेचर में आपकी अच्छी बचत होगी, अच्छी सेविंग होगी। आप खुद से काम नहीं करना चाहते, रेफर कीजिए, जो हमारा सब्सक्राइबर पहले से काम कर रहा है उसमें भी आपको 20% कमीशन मिलेगा। ई टेंडरिंग, जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जितना भी टेंडर है, पहले जो ट्रेडिशनल तरीका से टेंडर होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टेंडर होता है, उसमें वेंडर क्या होता है, उनको उतना ज्ञान है नहीं अभी, तो अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बीड अपलोड करवाने के लिए साइबर कैफे में जाते हैं, CSE के पास जाते हैं और 5000 रुपया देते हैं तो उनका टेंडर वो सबमिट करते हैं। तो ये सर्विस अभी आप सीख सकते हैं कि ई टेंडरिंग क्या होता है, ई टेंडरिंग का क्या प्रोसेस है। ऑफिस वाले भी आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस जो है फ्लोट करता है और वेंडर जो है अपना सबमिट प्राइस वगैरह डालता है, तो इसका भी काम आप सीख सकते हैं। यहाँ पे इसका भी कंटेंट रहेगा कि ई टेंडरिंग क्या होता है और ई टेंडरिंग कैसे करना है, कैसे बिड क्रिएट करना है, कैसे वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना है, सारा चीज आपको कोर्सेज में मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आप चाहे तो खुद काम कर लीजिए
आपको अच्छा अर्निंग होगा, एक ट्रेडिंग में लगभग 2000 रुपया आपको सेविंग होगा। मार्केट में लोग 5000 रुपया लेता है, आप 2000 में काम कीजिए, 1500 में काम कीजिए, टोटली आपका इनकम होगा। इसमें प्लेटफॉर्म को आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। अगर काम नहीं सीख सकते हैं तो आप रेफर कीजिए, सजेशन दीजिए कि फलानी जगह जाके आप टेंडर का काम करवा लीजिए, उस रेफर में भी आपको 20% कमीशन मिलेगा। इनकम टैक्स का काम हो, TDS का काम हो, उसको भी आप चाहें तो सीख लीजिए, नहीं तो हमारे जो एडवोकेट हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए, TDS और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लोग हैं, उनको आप रेफर कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए भी आपको 20% कमीशन मिलने जा रहा है। ISO सर्टिफिकेशन, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन फर्म अपना ISO सर्टिफिकेशन इशू करवाती है, ठीक है, तो वो काम भी आप सीख सकते हैं कैसे रजिस्टर्ड होता है, एक दिन में ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो कैसे ISO सर्टिफिकेशन बनाना है इसकी भी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो खुद से काम कर सकते हैं, खुद से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप रेफर कीजिए, सजेशन दीजिए, और जो हमारा सब्सक्राइबर है उसके बारे में आप बता दीजिए कि यहाँ पे वो ISO सर्टिफिकेशन का काम करता है, उसका भी 20% कमीशन आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार जेम रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आप जानते हैं, अवगत होंगे कि सरकारी कार्यालयों में जितना भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो जेम के थ्रू आजकल परचेज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिस भी अपना जेम रजिस्ट्रेशन करती है और वेंडर भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वेंडर को रजिस्ट्रेशन करने में मदद कीजिए, उससे भी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं कर आपको नहीं आता है, नहीं सीखना चाहते तो रेफर कीजिए, उससे भी आप 20% कमीशन मिलेगा। ऐप डेवलपमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेसमैन, हर दुकान वाले, कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले अपना ऐप डेवलप करवाते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट का काम आप तो या तो खुद सीख लीजिए, नहीं तो जो हमारे सब्सक्राइबर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको उनके पास आप रेफर कर दीजिए, उनसे ऐप बनवा दीजिए आप, और उसका जो भी कॉस्टिंग होगा उसका 20% कमीशन आपको मिल जाएगा। और वो ऐप जो होगा मार्केट रेट से सस्ता होगा, इसका हम गारंटी देते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो मार्केट से लगभग 20% कम प्राइस पे उपलब्ध है। एक ऐप बनवाने जाइएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो स्टैंडर्ड कंपनी है वो 40-50 रुपया डिमांड करती है, यहाँ पे 5000 रुपया से लेकर 10000 रुपया में हम लोग ऐप बना देते हैं, जनरल ऐप बनवा देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो आपके पास कोई सजेशन लेने आते हैं कि हमको ऐप बनवाना है, तो आप सजेस्ट कर दीजिए। उसी प्रकार वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वेबिनार होस्टिंग करवाने का काम होता है, थीसिस राइटिंग, ठीक है, कोई PhD कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर है, उसको थीसिस लिखवाने का काम हो, या थीसिस पब्लिकेशन काम करवाने हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो उनको मदद करेंगे, और उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। आपको खाली रेफर करना है कि हमारे फलाने जगह से आप करवा लीजिए, थीसिस राइटिंग करवा लीजिए, थीसिस पब्लिकेशन करवा लीजिए, तो सिर्फ सलाह दे के भी आप 20% कमीशन कमा सकते हैं। खुद से काम सीखिए, अच्छी बात है, सीख लिए तो खुद से काम कर सकते हैं, हम लोग ऑथराइज कर देंगे, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे हर तरह का काम करने के लिए। नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ सजेशन दीजिए, रेफर कीजिए और पैसा अर्निंग कीजिए। उसी प्रकार SMS गेटवे है, आप जानते होंगे नंबर्स के अवसर में, पर्व त्यौहार के अवसर में हर दुकान, ज्वेलरी दुकान, हर फॉर्म, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल अपने कस्टमर्स को, अपने सब्सक्राइबर को SMS भेजती है। आजकल नेता लोग भी भेजते हैं इलेक्शन के समय के, फलाने जगह वोट दीजिए, तो वो लोग भी खोजते हैं कि हमको भाई बल्क में मैसेज पुश करवा दीजिए, और हम लोग उनका काम भी करवाते हैं, सजेशन भी देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अर्निंग होता नहीं। लेकिन अब जब सजेशन दीजिएगा तो उसमें भी आपको 20% अर्निंग होगा। उसी प्रकार डिजिटल लाइब्रेरी का काम है, GST रिटर्न रजिस्ट्रेशन का काम है, ये सारा काम में भी आपको या तो सीख लीजिए या फिर रेफर कीजिए। प्रिंटिंग सर्विसेज है, CCTV कैमरा का काम है, लर्निंग प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं, बायजू वेदांतु विवेक बिंद्रा का जो है बड़ा बिजनेस, उसका भी बच्चे के लिए, नर्सरी क्लास से के लिए, 12th क्लास के लिए, अगर आप रेफर करते हैं किसी को तो उसका भी 20% कमीशन आपको मिलने जा रहा है। ये सारा सर्विसेज या तो आप खुद सीख लीजिए काम करना है, इस पर खुद फ्रेंचाइजीज ले लीजिए, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे, आप ऑथराइज, जैसे सब्सक्रिप्शन देते हैं आप ऑथराइज हो जाते हैं सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रेफर करने के लिए या फिर सेल करने के। उसके अलावा IVRS सिस्टम है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, आप कहीं पे हेल्प डेस्क पे, कॉल सेंटर पे कॉल करते होंगे तो देखते होंगे कि कस्टमाइज आवाज आती है कि स्वागत है, वेलकम मैसेज आता है, इलेक्शन में इसका यूज होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल IVRS सिस्टम लगवा रही है और कहीं ना कहीं हमसे और आपसे सजेशन लेती है, ठीक है। बट अब जब सजेशन दीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, तो उसका भी 20% आपको कमीशन मिलने जा रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेसमैन, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, हर नेता अपना एक सोशल मीडिया पे पेज बनाते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए, ठीक है, तो इसका भी काफी डिमांड है, एक काम भी आप
रेफर कर सकते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग, गूगल पे जब सर्च करते हैं किसी आइटम को तो देखते हैं बहुत सारा नाम लिस्ट में आ जाता है, तो सबसे ऊपर कैसे आए इसका भी काम हम लोग करवाते हैं। यूट्यूब प्रमोशन का काम हो, ईमेल मार्केटिंग का काम हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग का काम हो, अभी हम लोग जो यूज करते हैं व्हाट्सएप वो पर्सनल यूज के लिए होता है, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करके करिएगा, देखिएगा उसमें बहुत फीचर। अभी जो हम लोग स्टेटस लगाते हैं वो तो सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो, बट जब व्हाट्सएप बिजनेस यूज करिएगा तो उसमें बहुत सारा फीचर है कि ग्लोबल कोई भी आदमी उसको सर्च करके देख सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप क्या है, उसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, कैसे लीड तक पहुंचेगा हमारा मैसेज, वो सारा चीज़ आपको रेडीमेड रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और ऑनलाइन भी आके हम लोग बताएंगे। उसी प्रकार स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, हर स्कूल आज के डेट में अपना वेबसाइट रखती है, अपना ERP बनवाती है, सारा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में क्या बच्चे कितने स्टूडेंट है, कितना कलेक्शन हुआ, फी जमा हुआ, मार्क्स का एग्ज़ाम का सारा डिटेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अपना बनवाती है, ठीक है। तो हम लोग भी ये काम करते हैं, आप भी इसके लिए रेफर कर सकते हैं, आपसे कोई सजेशन लेने आता है स्कूल वाला, कॉलेज वाला, कन्वेंट वाला, इंस्टीट्यूट वाला, तो आप रेफर कीजिए, आपको उसके लिए भी 20% कमीशन मिलेगा। होटल भी है, हर छोटे छोटे शहर में होटल है, उसका रूम रिजर्वेशन सिस्टम का काम करवाते हैं, हमारे टीम में लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहाँ भी आप रेफर कीजिए, उसमें भी आपको 20% कमीशन मिलने वाला है। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, बायोमेट्रिक डिवाइस, सारा प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो अभी लिस्टेड है। इसके अलावा और भी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे सर्विस प्रोवाइडर लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और सर्विस देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं टर्म एंड कंडीशन के साथ, उनको हम लोग इसमें लिस्टिंग कर रहे हैं। और आपका भी कोई सजेशन होगा, इनपुट होगा कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये स्किल सीट है, तो उसको भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। हमारा मकसद ही यही है कि आप में जो स्किल है जिसको रिवार्ड अवार्ड अभी तक नहीं मिला, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक पहचान मिल जाए, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। मेडिकल कंसल्टेंसी, कुछ डॉक्टर भी हमारे टीम में आ रहे हैं, तो वो भी सुविधा हम लोग देंगे, आयुर्वेदा के बारे में, ठीक है, किताब पब्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं, मैगजीन पब्लिकेशन, तो वो लोग भी हमारे साथ टीम में आज के डेट में जुड़ गए हैं, उनका भी आप सजेशन दे सकते हैं, कंसल्टिंग का काम कर सकते हैं। और कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे लोग होंगे जिनको कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, तो उनको हम लोग फंडामेंटल बेसिक कंप्यूटर की जानकारी दे देंगे कि वो ऑपरेट कर सके, ऑन कर सके, टाइपिंग कर सके, एमएस वर्ड में जाके एक्सेल में कुछ डाटा सेव कर सके, टेबल में कैसे काम करना, उसके बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख ले, इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डाटाबेस होता है उसकी भी बेसिक जानकारी रहेगा कि कोई भी आदमी, और सारा वीडियो रहेगा हिंदी भाषा में ताकि कोई भी व्यक्ति उसको देख के समझ ले और काम करना शुरू कर सकता है। कैसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप बिजनेस पे लीड जनरेट करते हैं, कैंपेन जनरेट करते हैं, मतलब वायरल करते हैं पोस्ट को, ये सारा ट्रेनिंग मटेरियल में रहेगा, आपके कोर्सेज के अंदर रहेगा, रिकॉर्डिंग बोर्ड में, गूगल एड्स के बारे में, गूगल डॉक के बारे में, गूगल सीट, गूगल फॉर्म, ठीक है, सोशल मीडिया पे कैसे लीड जनरेट करना है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कैसे इशू करते हैं, ये सारा चीज़ आपका रिकॉर्डिंग वीडियो में उपलब्ध रहेगा डिजिटल कोर्स के अंदर। ये डिजिटल कंसल्टेंट को सारा फ्री में मिलने जा रहा है। एनिमेशन के बारे में रहेगा, वीडियो एडिटिंग टूल के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग, टैली के बारे में, ERP के बारे में, चूंकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, तो मार्केटिंग का बंदा भी हमारा हमको हम लोगों को समझाने आएगा, बताने आएगा कि इन प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आपको रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। कैसे दाखिल खारिज करते हैं, कैसे ऑनलाइन रिसिप्ट निकालते हैं, कैसे मैप लेते हैं, परिमार्जन में कैसे त्रुटि सुधार करते हैं, सारा चीज का वीडियो आपको मिलने जा रहा है। गवर्नमेंट स्कीम का कैसे लाभ लेंगे, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, तो उनको इसका भी ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा कि आप कैसे किसान समृद्धि योजना है, जो समय समय पर सरकार का योजना आता है, उसका कैसे लाभ उठाएंगे, इसका भी वीडियो उपलब्ध रहेगा। स्टॉक मार्केट के बारे में रहेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, और इसके एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट जो है उनका वीडियो रहेगा, वो लाइव भी आएंगे, उनका शेड्यूल भी, लाइव सेशन भी करवाएंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं लाइव टाइम में अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, और उनको लाइव भी हम लोग लाएंगे, सप्ताह 15 दिन के अंदर लाइव उनको भी करवाएंगे, ताकि कोई भी डाउट होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आएंगे उनको लाइव सेशन भी करवाएंगे। एस्ट्रोलॉजी के बारे में रहेगा, जिनको इंटरेस्ट है, जिनको आस्था है ज्योतिष के बारे में, वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। जॉब इंटरव्यू, चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट भी आएंगे तो उनको कैसे इंटरव्यू देना है, इसके बारे में गाइडेंस मिलेगा एक्सपर्ट से। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे एक्सपर्ट,
मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे क्या होता है उसके बारे में भी लोग बताएंगे एक्सपर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट पे, एफिलिएट मार्केटिंग पे, सारा कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि इतना चीज हमको मिल रहा है, इतना चीज सीख रहा है, तो हमको करना क्या है? तो एक बार आपको सब्सक्रिप्शन फी देना है 2500 रुपया, उसके अलावा कोई फी आपको नहीं देना है लाइफ टाइम में। और इतना चीज सेल का जो प्रोडक्ट एंड सर्विस अभी हम डिस्कस किए हैं लास्ट स्लाइड में, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को रेफर करने के लिए, सेल करने के लिए आप ऑथराइज हो जाते हैं और 20% कमीशन अर्न होते जाएगा। सारा कमीशन आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा, कहीं पे डायरी में लिखने की जरूरत नहीं है और कहीं क्लेम करने के लिए कोई डिस्प्यूट की जरूरत नहीं है। आप अपना डैशबोर्ड में देख लीजिए कितना कमीशन आया, उसको डिस्प्ले होते रहेगा। और डिजिटल कोर्सेज आपको फ्री में मिलने वाला है, जितना कोर्सेज अभी हमने डिस्कस किया वो सारा आप अपने पूरा परिवार के साथ उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने बेटा के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने फ्रेंड के साथ भी आप देख सकते हैं डिजिटल कोर्सेज को। ये सारा एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा। उसके अलावा आप अगर डिजिटल कंसल्टेंट बन के अपने टीम में लाते हैं दूसरे डिजिटल कंसल्टेंट को, उस पर भी आपको 500 रुपया कमीशन मिलेगा। और आप डिजिटल कंसल्टेंट बनाते हैं, अपने टीम को जितना बड़ा करेंगे तो हर सब्सक्रिप्शन पे 500 रुपया मिलेगा, या जितना भी रेफर करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का सजेशन देते हैं उस पर भी आपको 20% कमीशन मिलेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, जो आप काम कर रहे हैं उस पर आपको कमीशन मिल रहा है। पैसिव इनकम उसको बोलते हैं जब आप काम नहीं कर रहे फिर भी इनकम आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम मजदूर हैं, ईंटा ढोने का काम करते हैं, तो हमको तनख्वाह मजदूरी कब मिलेगा? जब हम ईंटा ढोने का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, 2 दिन काम नहीं करेंगे 2 दिन का पैसा नहीं मिलेगा, मतलब हमको कोई पैसिव इनकम नहीं मिलता है। लेकिन आप काम कर रहे हैं, आपने टीम बना दिया, आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आप आज घूम टूर पे हैं, कोई शादी ब्याह में है, बर्थडे में है, उसके बाद भी आपको इनकम आ गया। जैसे आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेते थे, एक लिंक देंगे आपको, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कीजिएगा, उस लिंक के थ्रू कोई सब्सक्राइबर बन गया, कोई प्रोडक्ट सेल हो गया, तो बैठे बैठे आप सोए हुए हैं, आपको 500 रुपया दिख जाएगा, 20% कमीशन आपके लॉगिन में दिख जाएगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जब हम काम नहीं कर रहे हैं उसके उस समय भी हमको पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो दोनों फैसिलिटीज हम रखे हैं, एक्टिव इनकम का भी और पैसिव इनकम। और जो भी कमीशन मिलने जा रहा है उसको वीकली और मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में पे आउट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं नहीं 2500 रुपया तो हम लगा दिए, क्योंकि बहुत ही कम, सबसे कम और अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, स्टूडेंट हो या बेरोजगार हो, गरीब हो, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन लग रहा है नहीं 2500 रुपया तो बहुत अधिक है, हम कुछ सीख नहीं पाए इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, हम 1 रुपया कमा नहीं पाए, किसी भी समय आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं 2500 रुपया, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, 100% मनी बैक गारंटी। कंडीशन यही है, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप अर्निंग नहीं किए हैं, तब प्लेटफॉर्म पे आ गए, अर्निंग भी कर लिया, उसके बाद भी क्लेम कीजिएगा कि नहीं मेरा पैसा लौटा दीजिए, उस कंडीशन में आपका पैसा नहीं लौटेगा। 2500 रुपया तब लौटेगा जब 2500 रुपया आपने सब्सक्रिप्शन दे दिया और उसके बाद आपकी कोई अर्निंग नहीं हुई, तो 3 महीने के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको 2500 रुपया आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा और पैसा आपका सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी है, खोने के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं। यही हमारा डिजिटल कंसल्टेंसी में आप लोगों से इनवाइट करेंगे, आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कि डिजिटल कंसल्टेंसी मॉडल आपको कैसा लगा, या फिर आपका कोई इनपुट है, कोई सुझाव है कि नहीं इसमें कुछ और चेंजेज की जरूरत है, कुछ सर्विसेज और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप तैयार करते हैं, आपके पास स्किल है जिसको ऐड करवाना है, तो भी आप बताइए, स्वागत करेंगे हम लोग आपको। अरविंद जी बताइए, अब क्वेश्चन आप जो पूछ रहे थे कि क्या है? जी सर, समझ में आया? आया सर। इसमें सोशल मीडिया पे सर जो बोले आप वो हाँ। क्या करेंगे? हाँ, वो कौन सा लिंक आप प्रोवाइड कीजिएगा? मतलब जैसे सब्सक्रिप्शन आपका बनता है, हाँ ठीक है, तो एक कस्टमाइज लिंक होगा, ठीक है। अच्छा, जैसा मैं दिखा रहे हैं आप,
लिंक दिख रहा है नीचे ना, इस तरह का लिंक कस्टमाइज आपको करके मिलेगा। जैसे ही इसको ओपन करेगा कोई भी सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट करिएगा, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी आपका दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे डालना नहीं पड़ रहा है। तो कोई भी आदमी इसको लिंक से रजिस्टर्ड कर लेगा वो आपके टीम में आ गया। आप सोशल मीडिया पे डाल दिए और आप सो गए, अपना काम कर रहे हैं, लोग इससे सब्सक्रिप्शन लेंगे, 500 रुपया आ गया। या फिर रेफर करिएगा, रेफर कीजिएगा कि कोई काम के लिए, कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, उसमें भी आपका कमीशन 20% आएगा। मान लीजिए 10,000 का कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है, आपके थ्रू, आपको कुछ मेहनत भी नहीं करना है, साली एक बार रेफर कर देना है, उसमें 20% आपको कमीशन मिल जाएगा। अच्छा है तो खुद से आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जो बताएं अभी हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, ISO सर्टिफिकेशन के बारे में। आप चाहे तो उसका यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद काम करना चाह रहे हैं खुद कीजिए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपका नहीं लगेगा। तो डिजिटल कंसल्टेंट बनने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, या समझिए डिजिटल फ्रेंचाइजी आप हो जाते हैं कि आप अपना खुद से काम कर सकते हैं। जी जी जी, कोई इन्वेस्ट, प्री इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो बताया जाए। राहुल जी आप बताइए। हाँ जी सर, ये सर हम थोड़ा सा जानकारी चाह रहे थे कि इसका ब्रांच तो अभी बिहार में ही है क्या और सब जगह? सर नहीं, अभी स्टार्टअप कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है। पहले हम लोग ऑल ऑफलाइन मोड में काम करते थे, ठीक है, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी शुरू किए। जी सर, तो इसमें इंडिया के किसी भी कोना से लोग आ सकते हैं, ऑफिस से कोई लेना देना है, क्योंकि काम डिजिटली होना है, सोशल मीडिया के थ्रू होना है। तो इसमें ऑफिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑफिस तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि नहीं आपको जानकारी चाहिए था खाली। ऑफिस से कोई मतलब नहीं, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आपको मिल रहा है, हमको मिल रहा है। जी सर, और खोने के लिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं। आप बाकी बिजनेस में रिस्क रहता है ना कि पैसा तो लगा लिए, टीम नहीं बन रहा है, सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होता है वहाँ पे। जो भी लोग दावा करते हैं कि हम पैसा लौटा देंगे, इतना टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं ना कि आप उसका लाभ ही नहीं ले पाएंगे। हम लोगों ने कोई लाभ, कोई कंडीशन नहीं लगाया। और ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं और टीम पे भी पूरा भरोसा है, टीम वर्क पे बहुत फायदा होता है। सर एक क्वेश्चन था कि आपने सर बताया कि DSC बनाने के लिए, तो मान लीजिए इसका हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 2500 में, तो उसका और जो कंपनी होता है उसका भी लेना पड़ेगा कि इसी में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए केंद्र सरकार ऑथराइज करती है, ठीक है, आरए को, जिसको बोलते हैं रिसेलर। फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न है, ई साइन है, ई मुद्रा है, ये सब ऑथराइज है, ठीक है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अच्छा, मतलब उसका स्पेशल नहीं लेना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, अलग से कुछ नहीं, हम दे देंगे आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके, हमारा टीम दे देगा, आपसे कुछ डिटेल लेगा, पैन नंबर लेगा, आधार नंबर लेगा, आपका नाम लेगा, उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसका ट्रेनिंग मिल जाएगा, खुद से काम करिए, इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं। स्टॉक भी हम लोग दे देंगे आपको, ब्लैंक टोकन भी दे देंगे, जब उसको आप सेल करिएगा तो जो बेसिक प्राइस है वो आप खाली रिटर्न करिएगा, बेनिफिट आपका होगा। खुद से काम करते हैं तब नहीं, खुद से काम करते तो रेफर कीजिए, अभी भी रेफर करते ही होंगे आप किसी ना किसी को डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए, लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं होगा उससे, बोलते भी नहीं होंगे, वेंडर से बोलना भी अच्छा नहीं लगता है और वेंडर देता भी नहीं है। तो यहाँ पे वेंडर को बोलना भी नहीं, बैक एंड में काम कर रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है लीगल वे में और इथिकल वे में। बताइए बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसमें काम कीजिए। अच्छा, कोई कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है ये, आपका प्लेटफॉर्म है, हमारा प्लेटफॉर्म है। बाकी समय क्या होता है, एक कंपनी होता है, उसका रूल चलता है, वो जैसे करे वैसे आप करिए। यहाँ पे नहीं, आप अपना खुद से डेवलप कीजिए, खुद बिजनेस आप स्टार्ट कर लीजिए। हर व्यक्ति में एंटरप्रेन्योर स्किल होता है, एक बिजनेसमैन होता है, छुपा हुआ होता है, उसको हम निखारिए और लीगल और इथिकल तरीका से पैसा कमाइए। और बहुत लोग कमाए हैं 2018 से लेके अभी तक, उनको हम लाएंगे, वही हमारे सक्सेस स्टोरी है, उनको डायरेक्ट हम लाएंगे, उनसे बताएंगे वो कैसे काम किए हैं, उनका भी एक्सपीरियंस हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अभी 2-3 शहर में इंटरनेट बंद है तो वो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, आज बिहार शरीफ में, सासाराम में नेटबंदी है,
वो लोग भी आएंगे और बताएंगे आपको लाइव आके कि नहीं कैसे कमाया जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखा है, बाकी कंपनी अपनी ब्रांड एम्बेसडर करके मार्केटिंग कर, हम लोग उस तरह का कंसेप्ट में नहीं है। हमारे लिए जो टीम मेंबर वही ब्रांड है, वही प्रचार करेंगे, उन्हीं के नेटवर्क के थ्रू काम होगा। और चूंकि ये कंपनी ग्रोइंग फेज में है, ये प्लेटफॉर्म अभी ग्रोइंग फेज में है, तो अभी टीम में आने पे सर्वाधिक फायदा होगा। सभी प्रोडक्ट का सर तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मान लीजिए सिस्टम ले लेते हैं। सारा ट्रेनिंग लाइव नहीं, सारा रिकॉर्डिंग मोड में रहेगा, क्योंकि आप मान लीजिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, संभव ही नहीं है कि डेली ट्रेनिंग ले पाइएगा। रिकॉर्डिंग मोड में उपलब्ध रहेगा आपके डैशबोर्ड पे, जब इच्छा है आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, आसान भाषा में रहेगा। नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग उसको 15 दिन में छुट्टी के दिन उस ट्यूटर को, उस गाइड को लाइव भी लाएंगे कि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। जितना आप सर प्रोडक्ट बताया सबका उसमें रहेगा रिकॉर्डिंग, है ना? जब बिल्कुल 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 जब जितना भी डिस्प्ले कराएगा ना, सारा रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगा, देख के खुद से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको एनी डेस्क पे सपोर्ट दिया जाएगा। मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर बनाने का काम शुरू किए, क्या करना है तो एक दो आपको एनी डेस्क पे सपोर्ट देके करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा उसका, तो खुद सीख जाइए, खुद करने लगिएगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। इसमें से जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो काम अच्छा लगे करिए, सब काम अच्छा लगे सब काम करिए, कुछ नहीं करना है तो भी ठीक है, खाली रेफर कीजिए, सजेशन दीजिए। यहाँ पे नहीं, इसलिए मॉडल पे हम लोग इतना दावा कर रहे हैं कि हर कोई कमा सकता है, क्योंकि इस मॉडल में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। काम सीख लिए तो बढ़िया है, आपका स्किल भी एडसन हो रहा है। बाकी जगह क्या होता है, जितने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है, वहां पे सिर्फ उसी का प्रोडक्ट आपको सेल करना है। प्रोडक्ट सेल करिएगा तो कमीशन आएगा, नहीं कमीशन करिएगा तो नहीं आएगा। चेन मार्केटिंग है, एक किसी को जोड़िएगा तो कमीशन आएगा, नहीं जोड़िएगा नहीं कमाएगा। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट अलग है, टीम बनाते हैं तो भी पैसा आता है, नहीं बनाते हैं खुद काम करते हैं तो भी पैसा आता है, और आपका स्किल भी एडसन हो रहा है, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। और जितना चाहिए उतना कमा सकते हैं, जितना काम करेगा उतना अर्निंग होगा। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। ये सेशन जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, रिकॉर्डिंग मोड में है, उपलब्ध रहेगा, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और किसी कोई पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? हमारा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए अखिलेश। ये है कि आपके यहाँ नेट चालू हो गया बिहार शरीफ में? ये आज दूसरे जगह, अच्छा दूसरे जगह से, वही तो कह रहे हैं कि बिहार शरीफ में तो नेट बंद है। हाँ बताइए। बंद ही था तो आज गए के क्या करते वहां रह के। ये पूछना है कि जो व्यक्ति है ऐसे ऐप है या तो उसका रेट कैसे हम लोग फिक्स करेंगे? देखिये रिक्वायरमेंट के आधार पे होता है। मान लीजिए कि ऐप में क्या जनरल ऐप बनवाएंगे, वो इसमें खाली इन्फॉर्मेशन रहेगा। मान लीजिए कोई स्कूल वाला बनवा रहा है, वेबसाइट बनवा रहे हैं, सिर्फ उसमें इन्फॉर्मेशन डालेगा कि खाली इन्फॉर्मेशन दीजिए, प्रचार प्रसार के लिए हम बनवा रहे हैं, कीमत 10,000 रहेगी मैक्सिमम। लेकिन उसमें फीचर ऐड करेंगे, नहीं पेमेंट भी हम इसी पोर्टल से करेंगे, पेमेंट गेटवे लगवाएंगे, तो पेमेंट गेटवे तो परचेज करना पड़ता है, उसका अलग कॉस्टिंग आ जाएगा। किस तरह का उनका रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर रेट होगा तय। होटल है ये सब का रेट बहुत कम है, जेन्यून है, 20,000 रुपया 10,000 रुपये बहुत सस्ता है मार्केट में। गूगल पे भी सर्च कर सकता है, ऐसे भी कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आजकल ऑनलाइन लोग सर्च करता है, ये फीचर हमको ऑनलाइन कितना में मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर 1,000 रुपया दिखा रहे हैं तो यहाँ 500 में मिलेगा। और इसलिए हम दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो टीम है वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, एज ए समझिए कि इनपुट अपना दे रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला, कोई कंपनी में जॉब नहीं मिला, तो यहाँ पे आके अपना इनको अपना टैलेंट को यहाँ पे पेश कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, इसके कारण हम उनको सस्ता दे पा रहे हैं। नहीं तो फिर अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का ऐप बनवाइएगा, वेबसाइट बनवाइएगा, तो लोग 1,00,000 रुपया से कम चार्ज नहीं करते हैं। क्वालिटी कुछ भी रहे ना रहे, सपोर्ट भी नहीं रहता, आप कल के डेट में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो एक कॉल सेंटर का नंबर दे देंगे, उस पर बात करते रहिए, ठीक है। डायरेक्ट आप बात भी नहीं कर पाए, यहाँ पे आप डायरेक्ट बात भी करा सकते हैं, आप बनवा दिए ऐप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो जो बनाया है उससे डायरेक्ट बात करेगा, आपसे नहीं बात करेगा, ये फायदा है यहाँ पे।
और ये कुछ ये व्यक्ति हैं जो ये जीएसटी आईटीआर ये सब ये सीखना चाहते हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा रिकॉर्डिंग मोड में, उससे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उनको हम लोग लाइव भी बुलाएंगे समय, क्योंकि उनका भी समय देखना पड़ेगा, जनरली संडे को हम लोग लाएंगे उनको, हम लोग जो भी डाउट हुआ वीडियो देखने के बाद वो सीख सकते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट हमारे साथ लिस्टेड है उनको हम लोग लाएंगे लाइव, उसे आप सीख सकते हैं, उनका नंबर भी रहेगा, चैट कर सकते हैं, कॉल तो हमेशा नहीं उठाएंगे बट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वो सब कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आप शुरू करके देखिए, कोई भी एक सर्विस आपको लग रहा है तो स्टार्ट करके खुद से भी आप सीख सकते हैं, खुद का भी अपना बिजनेस ग्रो कर लीजिए, हम लोग का मोटो यही है कि खुद से आप लोग स्टार्टअप अपना शुरू कर ले। ये अपने साइट पर ये कब तक ये कुछ कुछ वीडियो आ जाएगा सर? कुछ कुछ वीडियो आ गया, लॉगिन में आप चेक करिए, डैशबोर्ड में जाके जाइएगा वीडियो में, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा, अभी भी दिखेगा कुछ वीडियो जो है डाला हुआ, और उसमें लगातार अभी काम हो रहा है, क्योंकि बता ही रहे हैं कि ग्रोइंग फेज में अभी हम लोग सारा लोग काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है, एक बार जब स्टेबल हो जाएगा सारा चीज, उसका सारा चीज स्मूथली काम होने लगेगा, बाकी फोन है, कॉल सपोर्ट है, वो सब है, जब चाहे आप फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जीएसटी नंबर भी सर हम लोग जनरेट कर सकते हैं क्या? जीएसटी जनरेट आप नहीं कर सकते हैं, जीएसटी तो जनरेट कौन करवाता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर करते हैं ना, उसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न का काम कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न का काम कर सकते हैं, हाँ हाँ, जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करवा देंगे, ठीक है, वो चूंकि जीएसटी जनरेट कौन करता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर करते हैं, इसके लिए सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन है तो बताया जाए, नहीं तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, पूरा सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।